खरगोन जिले के भगवानपुरा में बुधवार को नगर के शासकीय अस्पताल में 3 ग्रामों के जन सहयोग से 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें लाई गई। विगत दिनों भगवानपुरा, धूलकोट और काबरी में तहसीलदार मनोज चौहान और बीएमओ डॉक्टर चेतन कलमे ने ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों के जन सहयोग से राशि जुटाई थी। आपको बता दें, ऑक्सीजन मशीनें आने से क्षेत्र के गरीब वर्ग के लोगों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा, क्योंकि 3 ग्रामों ने मिलकर जनहित में एक मिसाल कायम करते हुए कोरोना काल की इस विषम परिस्थितियों में मानवता का परिचय दिया है। वहीं बीएमओ ने कहा कि शेष बची हुई राशि का मेडिसिन व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि यह ऑक्सीजन मशीनें 18 घंटे सतत चल सकती है और 10 लीटर ऑक्सीजन बनाती है। मुख्यालय के अस्पताल में अब कुल 8 ऑक्सीजन मशीनें हो गई हैं। इससे पहले आदिवासी बिलाला समाज ने भी पिछले दिनों 4 ऑक्सीजन मशीनें भेंट की थी। तहसीलदार मनोज चौहान ने जन सहयोग से बुलाई गई ऑक्सीजन महीनों को लेकर 3 ग्रामों के ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भगवानपुरा, धूलकोट व काबरी के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुरा में जन सहयोग के माध्यम से जो राशि एकत्रित की गई थी और उसमें से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ऑर्डर दिए गए थे, 4 मशीनें आज हमको उपलब्ध हुई हैं। और ये मशीनें हमारे संस्था में आने से सबसे बड़ा एक फायदा हमको ये है कि अब हर किसी जरूरतमंद को जिसको ऑक्सीजन लग रही होगी उसको हम लोग ऑक्सीजन दे पाएंगे। और जो सिलेंडर की व्यवस्था पहले थी कि सिलेंडर खत्म होने पर भरवाने जाना और ये करना वो करना, जो टाइम अपना कंज्यूम होता था वो टाइम बच पाएगा और इससे अपने को कंटिन्यू फ्लो मिलता रहेगा। और एक मशीन को 16 से 17 घंटे कंटिन्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा 1 घंटे का विराम देकर के और भी उसको जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।